नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 971वां एपिसोड। आज 16 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। टेबल का गणित अब हर रोज बदल रहा है। 4 टीमें आज की स्थिति में बाहर हो चुकी हैं, लेकिन जो बची हुई 6 टीमें वो कौन सी हैं और उनमें से किसके कितने परसेंट चांस है प्लेऑफ में जाने के, वो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चेन्नई क्यों फंस गई है मझधार में अचानक से, वो भी बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और आईपीएल किसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज़, फैक्ट्स, अपडेट्स और स्टोरीज हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो ये खबर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो स्टोक्स को लेकर अच्छी रिपोर्ट नहीं आई थी, उस समय चेन्नई वाले बहुत घबरा रहे थे। अब चेन्नई को स्टोक्स की जरूरत नहीं है और स्टोक्स भी ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को बेन स्टोक वापस अपने देश लौट जाएंगे। 20 तारीख को वो अपने आखिरी मैच खेलने के लिए दिल्ली के खिलाफ उपलब्ध रहेंगे और वो उनका इस साल के आईपीएल का अंतिम मैच होने वाला है, क्योंकि उन्हें नेशनल ड्यूटी के लिए वापस जाना है। इस समय चोट से अंदर बाहर हो रहे हैं बेन स्टोक। अभी की स्थिति में भी उनकी चोट कैसी है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन चेन्नई उनके बिना बहुत अच्छे से खेलना सीख गई है। मुझे नहीं लगता कि 20 तारीख को भी बेन स्टोक को जगह मिलने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में। आखिरी मैच होगा उनका इस साल के आईपीएल का। क्या आप भी चाहते हैं कि बेन स्टोक हर मैच खेले अगले साल से? अपनी राय इस पर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी की स्थिति में मुझे नहीं लगता स्टोक्स की जरूरत थी, ना ही चेन्नई को ना ही बाकी टीमों को भी, मतलब आईपीएल को उनकी जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर आप आईपीएल को अपना समय नहीं दे सकते तो आईपीएल भी आपके लिए नहीं बैठा, और स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों को यह समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आज भी बहुत बड़ा मैच होने वाला है। अगर पॉइंट्स टेबल की दृष्टि से देखा जाए, लखनऊ और मुंबई के बीच ये फाइनल कॉल मैच होगा। क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम के अभी 2 मैचेस बचे हुए हैं। मुंबई फिर भी अच्छी स्थिति में, मुंबई को दोनों मैचेस जीतने ताकि वो स्टिकली टॉप 2 के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो वही दूसरी तरफ लखनऊ अगर आज हारता है तो लखनऊ मझधार में फंस जाएगा और लखनऊ के लिए फिर बाहर का टिकट कट जाएगा। कौन जीतेगा आज का मैच बताना जरूर, लेकिन खेलना जरूर प्लेयर स्पॉट पर। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ₹1 में ₹50,000 जीतने वाला कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कई सारी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग यहां पर चल रही है इस मैच से जुड़ी हुई। मैच से तुरंत पहले कैसी टीम रहेगी, लगभग 6 ग्रैंड लीग की टीम मिनिमम मैं आपको देने वाला हूं इस मैच की अपने टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन उससे पहले प्लेयर स्पॉट का अकाउंट बना लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टीम मैं दे दूंगा ग्रैंड लीग की टेलीग्राम पर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही दोस्तों आप लूडो भी यहां पर खेल सकते हैं, आप सांप सीढ़ी भी यहां पर खेल सकते हैं। तो बड़ी चीज यह है कि अगर आप क्रिकेट में नहीं जीत पा रहे हैं तो आप बाकी जगह भी जीत सकते हैं। क्रिकेट में कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा है हर फैंटेसी ऐप पर, लेकिन बाकी गेम्स में उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। रियल मनी गेमिंग ऐप है दोस्तों अपना प्लेयर स्पॉट, और हम तो वहीं पर खेलते हैं। आप भी अपनी टीम बना लेना, टीम कैसी रहेगी वो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। प्लेयर स्पॉट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम की भी। फटाफट जाओ अभी अकाउंट बना लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कुछ कंफर्मेशन दिया है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। सीईओ साहब ने कहा है, वी बिलीव महेंद्र सिंह धोनी इज गोइंग टू प्ले नेक्स्ट सीजन एज वेल। तो सीएसके के मैनेजमेंट को तो अभी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगले साल का 2024 का आईपीएल खेलेंगे। अभी तक धोनी ने कुछ नहीं कहा है। एक बार डैनी मॉरिस ने पूछा जरूर था, तो धोनी ने कह दिया था आप ही लोग मुझे संन्यास करा रहे हो, मैंने तो कुछ कहा नहीं। धोनी के हवाले से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हालांकि इस बार जो हमने देखा है, जो लास्ट मैच चैपॉक में भी हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी पूरे क्राउड को वेव करते हुए जा रहे थे, फेयरवेल टाइप का वहां लग रहा था। तो ऐसा लगा था कि शायद अंतिम मैचेस हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ का कुछ और मानना है। आपके हिसाब से धोनी क्या अगले साल खेल पाएंगे, क्या खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 100% खेलना चाहिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और लाइक कर दो भैया इस लेजेंडरी खिलाड़ी के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो मोहम्मद कैफ ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। मोहम्मद कैफ जो कि आईपीएल में बड़ी करीबी से इस साल जुड़े थे एज अ कमेंटेटर, कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी गिव्स इनफ हिंट दैट ही वोंट प्ले अनदर आईपीएल सीजन। कैफ के हिसाब से, मोहम्मद कैफ जो कि क्रिकेट को बड़े करीब से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि इनफ हिंट दे चुके हैं धोनी अगला सीजन नहीं खेलेंगे। उनके हिसाब से जिस तरह का फेयरवेल वो लेना चाह रहे थे उन्हें मिला है, तो ऑडियंस के अंदर बात उन्होंने कॉन्वे कर दी है। दूसरी बड़ी चीज कैफ ये बोल रहे हैं कि जो चैपॉक में लास्ट मैच हुआ था उसमें धोनी ने जिस तरह से क्राउड को अप्रिशिएट किया था, वो बताता है कि शायद उनका रिटर्न मुश्किल होगा अब एज अ प्लेयर। अब देखते हैं दोस्तों कैफ की बात कितनी सही होती है। मैं तो यही
यही चाहता हूँ कि मोहम्मद कैफ की बात गलत साबित हो जाए। आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन में की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो वीरेंद्र सहवाग ने एक जायज सवाल उठाया है पंजाब किंग्स की टीम पर भी और पूरे आईपीएल पर भी। वीरेंद्र सहवाग ने पंजाब के सबसे महंगे खिलाड़ी, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 18.5 करोड़ के सैम करन पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, यू बॉट सैम करन फॉर ₹18.5 करोड़, व्हाट हैज ही डन। उन्होंने साफ कहा कि सस्ते खिलाड़ी जो इस साल रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह हो गए, जैसे प्रभसिमरन सिंह हो गए, ये तो खूब चल रहा है, लेकिन जब आप सैम करन जैसे प्लेयर को 18.5 करोड़ रुपए देते हो, ये उतना पैसा है जिसमें कोई छोटे देश की तो पूरी लीग हो जाती है। उतना पैसा अगर आप सैम करन को देते हो तो वो क्या रिटर्न में दे रहा है। सहवाग का इशारा इसी तरफ था कि आखिर क्यों इतना ज्यादा पैसा अंडर परफॉर्म्ड खिलाड़ियों को दे दिया जाता है। और सहवाग के अनुसार एक नियम होना चाहिए जिसकी मैं भी पैरवी करता हूँ, एक कानून होना चाहिए आईपीएल में कि अगर आपको पैसा मिला है तो आप उस हिसाब से प्रदर्शन करिए, अगर आप उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपका पैसा काटा जाएगा। हमने आईपीएल में बहुत उदाहरण देखे हैं, हमने जोफ्रा आर्चर का उदाहरण देखा, 8 करोड़ रुपए लिए, कितने मैचेस खेले, बाकी टाइम चोटिल होकर बाहर बैठे रहे। हमने बेन स्टोक्स का उदाहरण देखा, उन्होंने पूरी तरीके से अपने क्रिकेट बोर्ड को तरजीह, कितने मैच खेले हमने देख लिया। हमने हैरी ब्रूक का उदाहरण देखा, 13.25 करोड़ रुपए में बिके थे, एसआरएच की क्या दुर्गति हुई वो भी देख लिया, उन्होंने कैसी बैटिंग की वो भी देख ली। तो कुल मिलाकर सहवाग के सवाल के साथ मैं तो सहमत हूं, अगर आप भी सहमत है तो कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो नीतीश राणा कहले ना, गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई है। ऑलरेडी केकेआर की स्थिति अच्छी नहीं है, टेबल पर अब उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस अच्छे नहीं है, लेकिन दूसरी बार केकेआर की टीम ने बीसीसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच कर दिया, जिसके तहत सभी खिलाड़ियों के ऊपर कुछ कुछ परसेंट का फाइन लगाया गया है और नीतीश राणा के ऊपर 24 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है स्लो ओवर रेट के चलते। दरअसल दोस्तों, इस समय केकेआर टेबल पर कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, 14 पॉइंट्स ही उनके हो पाएंगे अगर बचे हुए सारे मैचेस भी जीत लिए तो, और उनका बाहर होना तय है, और जाते जाते भी इतना बड़ा फाइन अब राणा जी पर लग गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सातवीं बड़ी रिपोर्ट की, सातवीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है टेबल के हवाले से, इस समय अब टेबल की क्या स्थिति है वो देख लेते हैं और कौन सी टीम बाहर है, कौन सी टीम के अब कितने चांसेस है वो देख लेते हैं। तो अभी की परिस्थिति के हिसाब से राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, एसआरएच और डीसी, ये चार टीमें ऐसी हैं जो अगर अपने बचे हुए सारे मैचेस भी जीत जाए, वैसे तो संभव नहीं है कि आप सारे मैचेस, चारों टीमें बचे हुए सारे मैचेस जीत रही हैं, एक दूसरे के साथ भी मैचेस होंगे, बट अगर फर्ज करो जीत भी जाए तो भी 14 पॉइंट्स ही हो पाएंगे, इनके 16 पॉइंट्स पर ये चारों टीमें नहीं पहुंच पाएंगी। और ऐसी स्थिति में लगभग 95% चांसेस है कि ये टीमें बाहर हैं और मैं 5% को काउंट नहीं करूंगा, तो मेरे हिसाब से तो 100% ये चारों टीमें बाहर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बची हुई टीमों की, तो बची हुई टीमों में थोड़ा सा उलटफेर हुआ है वो देख रहे। तो गुजरात टाइटंस स्टिल एक अच्छी पोजीशन पर है, तो टॉप टू में गुजरात टाइटंस के फिनिश होने के चांसेस सबसे हाई है। दूसरे नंबर पर मुंबई आ सकती है, क्यों? क्योंकि मुंबई के अभी 2 मैचेस बचे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, अगर मुंबई अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत लेती है तो मुंबई के 18 अंक हो जाएंगे, मुंबई टॉप टू की दावेदार हो जाएगी। अगर मुंबई सिर्फ एक भी जीती है तो भी 16 अंक हो जाएंगे, तो मतलब टॉप फोर में तो रहेंगी, देन दैट्स वाई गुजरात और मुंबई हाईएस्ट चांस लेकर बैठे हुए हैं। उसके बाद बारी आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, क्योंकि चेन्नई के पास अब मौके नहीं है, क्योंकि पिछला मैच केकेआर से एक मार्जिन के साथ चेन्नई हारी थी। चेन्नई के अब नंबर 3 के क्वालिफिकेशन के ही चांसेस रहेंगे, आप देख पा रहे होंगे इनके पास अब मैच भी बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, सिर्फ दिल्ली के खिलाफ इनका मैच है, वो जीत भी जाएंगे तो भी इनके लिए टॉप दूसरे या तीसरे नंबर की पोजीशन रहेगी। अगर चेन्नई हार गई तो चेन्नई अटक जाएगी, चेन्नई के सिर्फ 15 अंक रहेंगे, और ऐसी स्थिति में नीचे वाली टीमें अगर जीत गई जैसे आरसीबी, लखनऊ, पंजाब, ये टीमें अगर अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत ली तो चेन्नई को बाहर भी होना पड़ सकता है। चेन्नई का गणित अलग से इसी वीडियो में बताऊंगा, देखना। लेकिन उसके अलावा आरसीबी, एलएसजी और पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी लड़ाई नंबर 4 नंबर 3 के स्पॉट के लिए होंगी। अब इन तीनों में से कोई एक जाएगा, अब इन तीनों में से कौन एक जा सकता है भैया, देखो इनके तीनों के चांसेस 40-40% के हैं यहाँ से, और इन तीनों में से लखनऊ का नेट रन रेट थोड़ा सा बेहतर है, तो लखनऊ के हाइएस्ट चांसेस है, उसके बाद आरसीबी के चांसेस है, और इन तीनों में सबसे कम चांसेस पंजाब किंग्स के हैं। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस हमें टॉप 2 में दिख रही है,
तीन नंबर और चार नंबर के लिए मुझे चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी और लखनऊ दावेदार दिख रही है। उसके अलावा अगर मैं बाहर होने वाली टीम की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब और बाहर हो जाएगी और राजस्थान केकेआर ऐसा है जो दिल्ली तो बाहर हो ही चुके। तो ये मेरे हिसाब से रहने वाला है। बाकी अभी की स्थिति में एक हफ्ता आईपीएल का और बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या होता है। इतना पूरा आईपीएल देखा है तो एक हफ्ता और देखेंगे। आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है, कॉमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी टीम किस पोजीशन पे इस समय, क्या वो क्वालिफाई करेगी या नहीं, और प्लेऑफ में कौन सी चार टीम जाएगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और ये भी बताना कि कौन जीतेगा आईपीएल को। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो अचानक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। थोड़ा सा टेबल का गणित और देख लेते हैं, क्योंकि चेन्नई टेबल के इस गणित में थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है। आज की स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी की स्थिति में टॉप फोर में बनी हुई है, लेकिन पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार गई थी। इस समय सीएसके के 15 अंक है। चेन्नई का अंतिम मैच एक और होना है, अगर चेन्नई उस मैच को जीत लेती है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन चेन्नई उस अंतिम मैच को भी अगर हार जाती है ना तो चेन्नई 15 अंकों पर अटक जाएगी। क्वालिफिकेशन के लिए स्टिल आपको 16 अंक होना जरूरी है, और ऐसी स्थिति में आरसीबी, एमआई, लखनऊ या पंजाब, इन चार में से कोई सी भी एक टीम चेन्नई की जगह ले सकती है। तो चेन्नई को फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नीचे गिरने में, नंबर 5 नंबर 6 पर आने में। एंड दैट्स व्हाई चेन्नई के लिए सीधा गणित है, अपना अंतिम मैच जीतना है। छोटे अंतर से जीतो, बड़े अंतर से जीतो, जीतना जरूरी है ताकि वो ये नेट रन रेट के पेंच में और टेबल के गणित में ना फंसे। और अगर हार गए तो टेबल के गणित में फंस कर बाहर होने के चांसेस 80-90% के करीब हो जाएंगे। चेन्नई के लिए अब जीत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से बड़ी रिपोर्ट आ गई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो हाइब्रिड मॉडल सुझाया एशिया कप को लेकर उस पर बातचीत होगी। हालांकि इस मीटिंग में बीसीसीआई एशिया कप को कैंसिल करने या फिर बांग्लादेश या श्रीलंका में करने की बात करेगा। अब देखते हैं कहां पर होता है इस साल का एशिया कप। अगर बांग्लादेश और श्रीलंका में एशिया कप होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले मना कर देंगे। अगर पाकिस्तान में होता है तो हिंदुस्तान नहीं जाएगा वहां पर खेलने के लिए, जाहिर है आतंकिस्तान, आतंकियों के देश में कौन जाएगा, जहां पर आपके पूर्व प्रधानमंत्री को आप इस तरह की स्थिति आप देख ही रहे होंगे मीडिया चैनलों पर, तो कौन जाएगा। तो जाहिर है स्थिति बुरी है, एशिया कप के चांसेस ना के बराबर है। दोस्तों बात करते हैं दिनभर की दसवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ऑरेंज कैप की रेस भी अब करवट बदल चुकी है, देखते हैं कौन जीतेगा ऑरेंज और पर्पल कैप। अगर मैं ऑरेंज कैप की बात करूं तो यहां पर मेरे हिसाब से शुभमन गिल के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम में है वो। जितने ज्यादा मैचेस बनेंगे गिल के पास उतने मौके होंगे रन्स बनाने के। गुजरात टाइटंस का भी एक लीग मैच और बचा है कल के मैच के बाद, एंड उसके बाद गुजरात टाइटंस सीधे चली जाएगी प्लेऑफ में, चांसेस आर वेरी हाई गुजरात चली जाएगी, एंड वहां पर गुजरात टाइटंस 2 या 3 मैच खेलेगी। तो ऐसी स्थिति में गिल के पास मिनिमम 3 मैचेस अभी है, और ऐसी स्थिति में क्योंकि उनके पास मिनिमम 3 मैच है शुभमन गिल के पास, उनके चांसेस हाई है ऑरेंज कैप उठाने के। पर्पल कैप का आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के पास। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।